हरीदार चुनरिया माथे पैडा ए भोले बाबा एक लहरीदार चुनरिया माथे पैडाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के सबको रख दो स्वामी कोठी में उतार के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के सर पे पाइप लाइन लगवाए हो जे गंगा का ले ये हो सब कुछ छिप जाएगा छिपे से पर गंगा का पानी जई बड़ी है दानी मरदानी आवाज पियादा कैसे करो जनानी ए कैसे करो जनानी जनानी पकड़े ना भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के सब कर तो छिपा लियो लेकिन जो गंगा को पानी जब मर्दानी आवाज जनानी कैसे करियो तो भोले बाबा बोले हम काऊ से बोले ना है ए? ए? बोले कौन मर्दानी चाल पे पकड़े गए बोले हम तुम्हारे पीछे पीछे चले बोले तो चलो चले हैं जब भगवान भोले बाबा जहां महाराज सो रहा है लड़कियां पहरा पे लगी हैं एक लड़की ने रोक लिया रुको कहां जा रही हो बोले तुमने हमें नहीं पहचाना बोले नहीं बोले मैं भगवान भोले बाबा की पत्नी हूँ कैलाश पर्वत से आई हूँ बोले तुम जाओ जा, जा, देर क्यों कर रही जा अब सती ही तो अंदर चली गई भोले बाबा को रोक ले तुम रोको खूब हट्टी कट्टी खाई पी लग रही हो तुम के नखियो अब भोले बाबा चुपचाप खड़ी साड़ी से हाथ झांके ले कहूं वहां तक खुले गए तो दूर से पता चल जाइए सती जी दूर निकल गई पीछे घूम के देखो भोले बाबा तो है ही ना लौटे आई लड़की से कहा लड़की तुमने इन्हें क्यों रोका बोले तुम तो भोले बाबा की और जिक नहीं है अब गौरा ने भोले बाबा की एक क्यों नहीं मारी अब बताओ हम का कह दें को पकड़े गए तो बदनामी हो जाइए सो भोले बाबा बोले धीरे से गौरा कछु कह दे कैसे तुम्हें महाराज में अंदर ले ले सोई गौरा बोली तुम्हें ना मालूम तुम्हें कैसे मालूम हुए हमारी मायके वाले ने ना जाने की को है फिर बोली है कि जा मेरे गणपति की तुम्हारी किस्म गड़े से जल्दी जल्दी ब्याह कर लो हमने अपने मायके वालों कार्ड ना दे पाओ बेचारे नाराज हो गए आए ना हमारी ये ना कि जा मेरे गणपति
पति की बहुरिया मनरी सही श्रीमान पंकज फौजी की तरफ से जो अपनी सुभैया फौजी के छोटे भाई है पंकज फौजी की तरफ से एक गर्दन में हार पहना करके वह हमारे सभी साथियों को 101 एक मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं भगवान लंबी आयु हो, परमदेव भगवान सदैव दया का हाथ रखे रहे, समाज में सदैव सम्मान मिलता रहे। बोली है गौरा कुछ दिन पहले मैंने लला की घर में करी सगा कुछ दिन पहले मैंने लला की घर में करी सगा सुंदर